ये देखिए राज कचौरी के लिए पूरी कितनी फूली फूली और खस्ता बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ एकदम स्ट्रीट स्टाइल राज कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। राज कचौरी एक ऐसी चाट है जिसमें खट्टे, तीखे और मीठे सभी तरह के फ्लेवर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक जिससे आपकी कचौरी भी एकदम फूली फूली और खस्ता बनेगी। तो चलिए इस तीखी, मीठी और चटपटी राज कचौरी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे, तो उसके लिए लेंगे एक कप सूजी और साथ में लेंगे एक कप मैदा। आप यहाँ पे एक कप मैदे की जगह आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा भी ले सकते हैं। फिर इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, फिर डालेंगे एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक बार मिला देंगे। फिर कचौरी को खस्ता बनाने के लिए डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। आप मोयन में तेल की जगह घी ही लें, क्योंकि घी डालने से कचौरी की पूरी एकदम खस्ता बनेगी। घी डालने के बाद सारी चीजें अच्छे से मिला लें और मोयन चेक कर लें। अगर इस तरह से मुट्ठी बन रही है तो मोयन हमारा एकदम सही है। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें थोड़ा सा हार्ड टाइप का डो लगाना है। बहुत ज़्यादा नरम डो ना लगाए, वरना पूड़ियाँ फूल तो जाएगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगी और उनके ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे। और अगर डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छे से फूल नहीं पाएंगे, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो डो हमारा रेडी है और ये देखिए हमें इसी टाइप का डो लगाना है। इसके बाद डो को हम एक बाउल में ले लेंगे और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट हो गई है तो फिर से डो को एक और बार मसल देंगे। और अगर इस वक्त सूजी के कारण डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लेके इसे एक और बार मसल सकते हैं। तो डो को अच्छे से मसलने के बाद इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स को अच्छी तरह से मसल के स्मूथ बना देना है, ताकि बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। फिर एक डो बॉल लेंगे और बाकी के बॉल्स को कवर करके रखना है। फिर इसे अच्छे से रोल कर देंगे। मैं पूरी को ऐसे ही रोल कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरी को सूखे आटे में डस्ट करके भी रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कचौरी के लिए पूरी को बहुत ज़्यादा पतला रोल करना नहीं है, और दूसरा कि पूरी की साइज़ हमें बहुत ज़्यादा छोटी रखनी नहीं है, वरना हम इसमें स्टफिंग अच्छे से स्टफ कर नहीं पाएंगे। तो पूरी हमारी रेडी है और इसकी थिकनेस हमें इसी तरह की रखनी है। तो इसे हम सीधा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा डो बॉल डाल के चेक कर लेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फिर गैस की फ्लेम हाई रख के पूरी डाल देंगे और पूरी को हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है। तो पूरी अब फूल गई है। फिर जैसे ही पूरी फूल जाए तभी हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देनी है और इसे दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो अब पूरी का कलर दोनों साइड से चेंज हो गया है, इसे ऑयल में से निकाल देंगे। तो बनी है ना पूरी एकदम फूली फूली और खस्ता। तो उसी तरह से हम पहले सारी पूरियां फ्राई कर देंगे, और हो सके तो पूरी बेलने के बाद तुरंत ही आप इसे फ्राई करें, क्योंकि अगर पूरी थोड़ी सी भी सूख जाएगी तो अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो ये दूसरी पूरी भी फ्राई होके रेडी है। तो अब पूरियां थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इन्हें स्टफ कर लेंगे। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो पूरी को हमें इस तरह से सेंटर में से तोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी पूरी भी तोड़ के दिखा देती हूँ। इसे मैं स्पून से तोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से शेप में आए। तो बनी है ना पूरी एकदम खस्ता। फिर इसमें डालेंगे थोड़े से उबले हुए आलू के टुकड़े, फिर डालेंगे उबले हुए मूंग, फिर डालेंगे उबले हुए चने। तो चने मैंने 5 घंटे भिगो के फिर उन्हें कुकर में लेके 4 से 5 सीटी आने तक पका लिया था। फिर डालेंगे दही। तो इस दही में मैंने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर दी थी। फिर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी।
फिर डालेंगे खजूर इमली की चटनी। इन दोनों चटनी की डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये हमारी पापड़ी चाट की वीडियो में है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर थोड़ी सी कटी हुई प्याज रख लेंगे, फिर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें पसंद हो उस हिसाब से आप कचौरी में स्टफिंग कर सकते हैं। फिर इसमें मैं एक पूरी को हाथ से हल्की क्रश करके उसके थोड़े से टुकड़े डाल रही हूँ ताकि खाने में ये और भी मज़ेदार लगे। फिर सारी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हो तो आप इन्हें एडवांस पे भी बनाकर रख सकते हैं। तो उसके लिए आप पूड़ियाँ पूरी तरह से ठंडी होने के बाद उन्हें एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और ये इजीली 4 से 5 दिन तक ऐसे ही खस्ता रहेगी। फिर कचौरी के ऊपर थोड़ी सी सेव रख लेंगे, फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, फिर थोड़ी सी दही और खजूर इमली की चटनी डालेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। अनार के दाने डालने से ये कचौरी दिखने में भी अच्छे लगेगी और साथ में उसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो ये हमारी कलरफुल और एकदम टेस्टी राज कचौरी बनकर तैयार है। जब आप इसे खाएंगे तब हर एक बाइट में तीखा मीठा चटपटा और नमकीन सभी टेस्ट आएंगे जो इसके फ्लेवर को और भी बढ़ा देंगे। तो आप ये रेसिपी एक बार घर पे जरूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर सबको ये डिश बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।